सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, किरातार्ज नियम के प्रथम सर्ग को हम पढ़ रहे हैं और जिन जिन पाठकों के पाठ्यक्रम में यह लगा हुआ है किरातार्ज नियम का प्रथम सर्ग, चाहे वो बीए एमए शास्त्री आदि करने वाले हमारे पाठकगण हैं अथवा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हमारे पाठकगण हैं, उन सभी को ध्यान में रख करके इस कक्षा को पढ़ाया जा रहा है। अभी तक मैंने आपको 13 श्लोक पढ़ा दिए हैं, आज हम 14वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। बाकायदा विस्तार से पढ़ाता हूँ, एक एक शब्द का अर्थ आपको समझा करके, सारी समास व्याकरण की दृष्टि को भी ध्यान में रख करके, और आपकी तैयारी पूरी हो जाए, कोई आपको शंका ना रहे, इस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिएगा, और आप सीधे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा, तो आइएगा। गत कक्षा में मैंने आपको ये श्लोक पढ़ाया था, आपको 13वां श्लोक था, ये वही श्लोक चल रहे हैं अभी। जो वनेचर है, किरात है, वो युधिष्ठिर को दुर्योधन के राज्य की व्यवस्थाएं बता रहा है, दुर्योधन के आचरण बता रहा है, ये बता दिया था। इसके बाद में ही ये अब 14वां श्लोक आज हम पढ़ेंगे, ये भी ऐसा ही इसी प्रकार के प्रसंग का है। प्रसंग इसका यह बनता है कि जो वनेचर है, किरात है, वो युधिष्ठिर को कहता है कि दुर्योधन की कुटिल नीतियों का अनुमान लगाना कतिपय दुष्कर है, अर्थात वो ऊपर से तो बहुत अच्छा आचरण कर रहा है, परंतु उसके अंदर क्या चल रहा है, वो कौन सी नीति का प्रयोग करना चाहता है, इसका अनुमान लगाना सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं। अब तो वह पूर्ण रूप से अपना कार्यभार अपने सेवक और भृत्यजनों को सौंपकर स्वयं निर्भय होकर मुक्त किंतु उतना ही संशंकित है। अब क्या है, ये बता रहा है कि वो अपने भृत्यजन हैं, जो भी उसके मंत्री आदि हैं, उन पर वो इतना बाहर से विश्वस्त दिखाई देता है कि उसने सारी व्यवस्थाएं उनको ही सौंप दी है, उनको ही सारी जिम्मेदारियां दे दी है, वो ही देखते हैं सारे कार्य, उसके नौकर चाकर और रक्षक आदि मंत्री आदि, परंतु इसके साथ भी वो अंदर से तो बाहर से तो वो क्या एकदम विश्वस्त दिखाई देता है, परंतु अंदर से वो आतंकित रहता है, शंकित रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मेरी पट्टी ना खुल जाए, मेरी कुटिल जो चाल है वो ना खुल जाए, इसके कारण से डर बना है उसे। बहुत गहरी बात कही है, बाहर से तो उसने ऐसा अपना सारा व्यूह रच लिया है कि और सारे जिम्मेदारियां लोगों पर ऐसा उसको दिखावा कर दिया उसने कि मैं पूरा अपनी प्रजा पर विश्वास करता हूं, अपने लोगों पर विश्वास करता हूं और पूरा निस्वार्थ भाव से, परंतु मन में उसके शंकाएं बनी हुई हैं। इस भाव को पहचानना बहुत कठिन है, पर इस भाव को ही श्लोक में कहा गया है, युधिष्ठिर को बता रहा है कि देखो आइएगा। 14वां श्लोक है ये हमारा, विधाय रक्षान परितः परेतरान अशंकिताकारमुपैति शंकिताः क्रियापवर्गेष्वनुजीवि सात्कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। बहुत अच्छा श्लोक है, आइएगा इसका अन्वय कर लेते हैं पहले, फिर बाद में अर्थ लगाएंगे। अन्वय है इसका, शंकिताः सन् परेतरान,
परिताः रक्षकान् विधाय अशंकिताकारं उपैति क्रियापवर्गेषु अनुजीवसात् कृताः संपदः अस्य कृतज्ञतां वदन्ति। अर्थ बिल्कुल सरल हो गया। अब इसका वनेचर कहता है कि जो दुर्योधन है वो क्या है, शंकिताः सन, सन का अध्ययन कर लिया हमने, शंकिताः सन माने अंदर से शंका वाला, माने मन में भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाओं को लेकर के रहने वाला वह दुर्योधन। ये दुर्योधन का विशेषण है, शंकिताः दुर्योधन, अंदर से शंकाएं हैं, ठीक है, ऊपर से विश्वस्त दिखाई देता है। कहता और कैसा है, अंदर से शंकाएं उत्पन्न हो रही है जिसके अंदर, ऐसा व्यक्ति दुर्योधन परे तारान परिताः रक्षकान विधाय। परितरान का यहां पर अर्थ है कि जो दूसरों को अपना बनाने में निपुण है, क्या दूसरे लोगों को अपना बनाने में अर्थात अपने पक्ष में लाने में जो लोग निपुण हैं, दूसरे पक्ष के लोगों की जानकारी को लाने में अर्थात भेद नीति में निपुण हैं। राजा दुर्योधन के पास ऐसे भी लोग हैं जो राजा दुर्योधन की गाथाएं गागा करके उसकी प्रशंसा कर करके लोगों को दुर्योधन के पक्ष में ला रहे हैं, सारे दिन दुर्योधन की प्रशंसा करते रहते हैं, ठीक है। और दूसरे जो आसपास के उसके राज्य हैं उन राज्यों में जाकर के, उन राज्यों में जाकर के वहां की जासूसी कर करके लाने वाले लोग हैं, वहां की सारी जानकारी देने करके लाने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार के लोगों को यहाँ कहा गया है परेतरान द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत है, माने इस प्रकार के लोगों को दुर्योधन ने क्या किया, इस प्रकार के लोगों को परेताः रक्षकान् विधाय, और क्या है चारों तरफ से अपने राज्य के चारों तरफ, अपने चारों तरफ से क्या है रक्षा करने वाले जो लोग हैं, रक्षा करने के सभी लोग आ जाएंगे, मंत्री वंत्री सब आ जाएंगे, सैनिक आदि, उन लोगों को विधाय माने लगा करके उनकी जिम्मेदारियों को सौंप करके, जी ये आपकी जिम्मेदारी है, आप जैसा चाहें वैसा करो, मैं इसमें टोका टाकी नहीं करूंगा। परेतरान माने जो दूसरों को अपने पक्ष में लाने के लिए निपुण लोग हैं ऐसे लोगों को, और रक्षकों को अपने सब तरफ से रख करके उनको विधाय माने उनके कर्तव्यों को, उनकी ड्यूटी को दे करके, तो करो अपनी ड्यूटी को। अशंकिताकारम उपैति, अशंकिताकारम माने ऊपर से एकदम विश्वस्त रूप से दिखाई, विश्वस्त रूप को प्राप्त हुआ दिखाई दे रहा है, अंदर से तो शंकित है परंतु ऊपर से क्या करता अशंकिताकार माने में पूर्ण रूप से अपने सभी परेतरान और परेतर और रक्षा जो रक्षा करने वाले पुरुष हैं जो व्यवस्था को देख रहे हैं उन पर पूरी तरह से विश्वस्त हूं, इस प्रकार के ऊपरी भाव को उपैति माने प्राप्त किया हुआ है, ऊपर से ऐसा दिखावा करता है, अंदर से शंकित है। और कहा कि क्रियापवर्गेषु अनुजीवसात् कृताः, क्रियापवर्गेषु माने इस प्रकार के ये जो लोग लगाए हुए हैं उसने कार्यों में उनको ड्यूटी, उनको भरपूर वो क्या कहता है, उनकी ड्यूटी पूरी होने पर, उनकी ड्यूटियां पूरी होने पर अर्थात महीना पूरे होने पर, महीना भर ठीक काम किया और निरंतर, तो क्या है क्रिया पवर्गेशु इन इन प्रकार के लोगों को, इनकी इन प्रकार इस प्रकार के लोगों की क्रियाओं के ठीक ठीक कर देने पर, ठीक ठीक कर देने पर उसको क्या करता है अनुजीव सात कृताः,
अनुजीव सात्कृता का अर्थ है क्रियाओं को ठीक ठीक कर देने पर वो पुरस्कार देता है, उनको सैलरी देता है, अच्छी उनको पुरस्कृत करता है, सम्मान देता है। ठीक है कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लो 100 अशरफियां ले जाओ, 1000 अशरफियां ले जाओ, चलो। तो क्या है जो क्रिया इस प्रकार के सेवक और रक्षा पुरुषों के द्वारा, मंत्री आदियों के द्वारा अपने अपने कार्यों को ठीक करने के बाद दुर्योधन के द्वारा जो पुरस्कार प्राप्त किए जाते हैं, पुरस्कार रूप में जो संपदा माने संपत्ति, धन संपत्ति आदि प्राप्त की गई है, वो धन संपत्ति ही क्या है अस्य माने इस दुर्योधन की कृतज्ञताम वदंती, अर्थात ये लोग हैं रक्षा पुरुष और दूसरों को अपने पक्ष में लाने वाले निपुण लोग, वो लोग क्या है दुर्योधन के द्वारा प्राप्त जो पुरस्कार हैं, धन संपत्तियां उनकी, वो ही माने उनके कारण ही वो दुर्योधन की दिन भर रात भर प्रशंसा करते रहते हैं, उसी के गुणगान करने में लगे रहते हैं, अर्थात वो उसके वास्तव में पुरस्कार उनके द्वारा दुर्योधन के द्वारा दी गई जो धन संपत्ति है उस वही बोलती है उसकी प्रसन्न कृतज्ञता को कि राजा दुर्योधन तो बहुत महान राजा है जी, बहुत हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। ठीक है तो इस प्रकार से राजा दुर्योधन की स्थिति बनी हुई है, ये वनेचर किरात युधिष्ठिर को बता रहा है। अब आप समझ गए होंगे कुटिल व्यक्ति की यही पहचान होती है कि वो ऊपर से तो एकदम शांत भाव का दिखाई देता है, एकदम सौम्य दिखाई देता है, एकदम श्रेष्ठ आचरण वाला दिखाई देता है, परंतु अंदर अंदर क्या आग लगी है पता नहीं, किन किन से भय है, किन किन से डर है, किन किन का राज उद्घाटन होने की शंकाएं मन में बनी हुई है, अंदर से डरा रहता है। आप देखिएगा जो राजदूत है युधिष्ठिर का है तो वनेचर जंगल में रहने वाला व्यक्ति, परंतु बहुत पारखी व्यक्ति है। वो उसने दुर्योधन को परख लिया, उसने दुर्योधन को परख लिया कि दुर्योधन है ऐसा, ऊपर से सब दिखावटी मामला चल रहा है पर अंदर कुछ और ही चल रहा है, अंदर से दुर्योधन कुटिल है, ये युधिष्ठिर को समझाना चाहता है। युधिष्ठिर तो भोला भाला आदमी है बेचारा, बर्बराज है। ठीक है तो युधिष्ठिर के मन में इस बात का बीज डालना चाहता है कि तुम दुर्योधन पर कभी विश्वास मत करना, इस प्रकार का आचरण तो कर रहा है पर वो बदला नहीं है अंदर से तो वो कुटिली है, क्योंकि वो अंदर से डरा हुआ है। ये बात इसमें संदेश दी गई। ठीक है चलिएगा, ये मैंने आपको अर्थ बता दिया इसका विस्तार से, और इसके अंदर समास आदि मैं आपको बता देता हूं। शंकिता है, ये दुर्योधन का विशेषण है, तो इसमें शंका शब्द से इतच प्रत्यय होता है, शंका संज्ञाता अस्मिन या यस्मिन सा शंकिता, शंका जिसके अंदर उत्पन्न हुई है उस वह व्यक्ति शंकित कहा जाता है। ठीक है तो ये शंका शब्द से इतच प्रत्यय, ध्यारकिया सनस धातु का है सत्री का, परेतरान ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत है, परिता ये अव्यपद है, परिता का अर्थ होता है चारों तरफ से, सब तरफ से, रक्षकान रक्षकान का अर्थ होता है तो रक्षा करने, रक्षक ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत है, तो रक्षा रक्षा माने रक्षन्ति एते रक्षा, ठीक है रक्षा करने वाली व्यक्तियों को क्या बोलते हैं रक्षा। विधाय ये वी पूर्वक धा धातु से कृत्वा लेप का प्रयोग है, शंकिताकारम, ठीक है ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है न शंकिता अशंकिता, नहीं तत्पुर समास हो गए, अशंकितस्य आकारः अशंकिताकारः तम अशंकिताकारम, फिर षष्ठी तत्पुर समास हो गया। ठीक है ठीक है दोबारा सुन लीजिएगा, न शंकिताः अशंकिताः नहीं तत्पुरुष समास होगा, अशंकितस्य आकारः अशंकिताकारः
और षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया तम द्वितीय है, तो तम अशंकिता कारम। उपैति उपपूर्वक इण धातु का गतौ का ये लट्लकार का प्रथम पुरुष का एकवचन का रूप है। क्रियापवर्गेशु तो क्रियाणाम अपवर्गाः क्रियापवर्गाः तेषु क्रियापवर्गेशु, अपवर्ग का अर्थ होता है समाप्ति, क्रियाओं की समाप्ति होने पर, ठीक है, कार्यों की समाप्ति होने पर। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनुजीव सात कृताः ये संपदः का विशेषण है, ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है, ठीक है, संपदा प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है, दकारांत शब्द है। अस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांत है, दुर्योधन का ये विशेषण है। कृतज्ञताम तो कृतज्ञताम माने कृतम जानाति ऐसा कृतज्ञ तस्य भावः कर्म वा कृतज्ञता ताम कृतज्ञताम, इस प्रकार से इसमें विग्रह होगा तो अधिक गहराई में मत जाइएगा। ये द्वितीय व्यक्ति एकवचनांत है। कृतज्ञताम वदन्ति माने बोलती है, उसके जो पुरस्कार है वो ही बोलते हैं, पुरस्कार के कारण से अर्थात ऐसा बोलते हैं लोग बोलते हैं अर्थात पुरस्कार बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये आपका श्लोक कंप्लीट हो गया। आगे की कक्षा में आपको मैं 15वां श्लोक पढ़ाऊंगा मित्रों, आप पढ़ते रहिएगा, मैं पूरा इसको प्रथम सर्ग को आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करा देता हूं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं यूट्यूब चैनल पर कहीं पर इस प्रकार से गहराई से पढ़ाया नहीं गया है सरल ढंग से। मैं गहराई से तो पढ़ा रहा हूँ पर सरल ढंग से भी पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान देंगे, मैं कठिन नहीं बना रहा आपको, ठीक है, आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। मैं आपको एक एक चीज समझा देता हूँ, प्रसंग समझा देता हूँ, सार समझा देता हूँ और शब्दार्थ समझा देता हूँ, अन्वय लगा देता हूँ, आपका श्लोक का उच्चारण करा देता हूँ, इतना ही चाहिए और क्या चाहिए। अगर अधिक कराएंगे तो फिर आपको यहाँ से ऊपर से निकलने लगेगा, वो ठीक नहीं। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, अपने मित्रों तक शेयर करके पहुंचाइएगा, आपके मित्रगण भी इन वीडियो के माध्यम से अपनी ठीक से तैयारी कर लें और किरातार नियम को पढ़ लें, और स्वाध्याय की दृष्टि से भी कोई भी पाठक इसका सीरीज को पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमने कॉलम बना दिया गया किरातार नियम प्रथम सर्ग, क्लिक कीजिएगा और सभी वीडियोज को क्रमानुसार देखिएगा। शुल्क आपके लिए अभियान चलाया हुआ है। चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते।